हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों की मूंछ और दाढ़ी के बाल वाइट होते हैं उनको कैसे आपको ब्लैक करना है नेचुरल तरीके से। और आप जनरली लोग क्या करते हैं, डाई लगाते हैं और स्किन को इतनी ज़्यादा हार्म करती है, आपके बाल तो ब्लैक हो जाते हैं लेकिन स्किन को इतना ज़्यादा हार्म करती है आप बिलीव नहीं करोगे। तो आप अगर ये सब चीज़ें नेचुरल जो होती हैं आप इनको यूज़ करोगे तो आपके बाल तो आपके मूंछ और दाढ़ी के काले होंगे, साथ में क्या है आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक तो फिट करी क्या स्किन में आपको चमक लाती है, स्किन को टाइट रखती है, आपके स्किन में जो आपको इन्फेक्शन हो जाता है उसको ख़त्म करती है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए। गुलाब जल है, आपके आपके टोनर का काम करता है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्किन को फ्रेश रखता है और आपको इतना ज़्यादा अच्छा रखता है। तो ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं और स्किन के लिए अच्छी होने के बाद ये आपके बालों को जो आपके जो मूंछ और दाढ़ी के जो बाल होते हैं वाइट हो गए उनको भी बहुत अच्छे से कलर करती है। लेकिन आपको कैसे लगाना है, आपको क्या लेना है, फिट करी में थोड़ा सा डालना है गुलाब जल और गुलाब जल डालने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कैसे लेना है। देखिए जैसे ये फिट करी है, इसमें लिया थोड़ा सा गुलाब जल, ये देखिए पानी जैसा हो गया है। अभी आपको इसको लेना है, आपको इसको अच्छे से क्या है अच्छे से चलाना है, चलाने के बाद आपको हाथ में लेना है, थोड़ा सा मलना है हाथ में और आपके जहाँ मूंछ और दाढ़ी के बाल हैं उसको अच्छे से पूरा गीला करना है और हल्के हल्का मल के छोड़ देना है। आपको 20 मिनट तक ये रखना है और आपको ये डेली करना है। आपको क्या है, ये तो नुकसान नहीं करेगी और जल्दी से आपके जो बाल हैं मूंछ और दाढ़ी के वो आपको धीरे धीरे ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपकी मूंछ और दाढ़ी के बालों के लिए। और जनरली लोग क्या करते हैं, इतनी टेंशन में होते हैं और इतना बाहर पोल्यूशन में रहते हैं और इतना आपको कैसी कैसी केमिकल्स यूज़ करते हैं आप, फेस में क्या क्रीम लगाते हैं और क्या कलर आपकी डाई वाई पूरा लगा के स्किन को आप पूरा बेकार कर देते हो एकदम, और फिर आपके बाल क्या है वो पूरे एकदम पूरे वाइट हो जाते हैं एकदम। तो आप क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई कोई बाल अभी वाइट होना शुरू हुआ है और आपको दिख रहा है कि हाँ अभी हो गया है शुरू, तो आप फट से आप कीजिए, लीजिए फिट करी कर लीजिए, पाउडर पाउडर में डालिए गुलाब जल और थोड़ा सा इसका पेस्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब फिट करी इसमें मिलती है गुलाब जल में तो ये पानी टाइप का लिक्विड टाइप का हो जाता है। तो उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है, हाथ में अच्छे से मलना है, मूंछ में अच्छे से मलना है, आपको दाढ़ी में बहुत अच्छे से मसाज करनी है हल्की सी और इसको छोड़ देना है, थोड़ा गीला रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं कि वो टपकता रहे, इतना भी नहीं करना है, आपकी मूंछ और दाढ़ी के बाल अच्छे से पूरे गीले हो जाए रूट्स तक, पूरे अच्छे से हल्के हल्के मल के छोड़ दो उसको। और उसके बाद इसको 20 मिनट तक रखो और इसको आपको करते रहना है कंटिन्यू। उसके बाद आप देखना आपके मूंछ और दाढ़ी के बाल अपने आप जो वाइट हुए ना ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। और जो जल्दी से वाइट आपको लग रहा था कि क्योंकि एक बाल वाइट होता है तो क्या होता है फिर दूसरा फिर तीसरा आपको बहुत स्पीड से वो वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो क्या है वो आपकी वाइट होने की जो स्पीड है बालों की वो आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, आपके बाल जो वाइट हैं वो धीरे धीरे आपको नेचुरल कलर में आपके बालों का जो है उसमें आ जाएंगे। और ये क्या है, आपको उसमें कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत महंगी मिलेगी, आपको बहुत टाइम रखनी है, आपको बस 15-20 मिनट लगाना है। आप रात को सोने के टाइम में फेस वॉश करते हो तो उससे पहले 15-20 मिनट लगाओ, टीवी देखते हो देखो इतनी देर में आप फेस वॉश करके लेट जाओ। आपको डेली ये करना है, कोई ज़्यादा लंबा काम भी नहीं है ये और आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगी सबसे बड़ी बात है। और मूंछ और दाढ़ी में लगाने के अलावा कभी कभी आप इसको पूरे फेस में भी लगा लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं करेगी, बल्कि आपकी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप जब कलर लगाते हो तो आप क्या दाढ़ी के मूंछ के आसपास लगाते हो, फेस में अगर लग जाए तो पूरा ब्लैक हो जाता है, या फिर अच्छे वाला लगाते हो या जो भी लगाते हो ब्लैक नहीं होता है, लेकिन स्किन पर आपकी टच करता है तो स्किन को हम बिल्कुल हार्म करता है वो। ये क्या आपकी स्किन को टच करेगा, अंदर तक जाएगा आपको, आप थोड़ा आसपास भी लगेगा तो लगेगा तो कोई बात नहीं, पूरे फेस में इसको अच्छे से लगा लीजिए, पूरे फेस में आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी स्किन में जो रिंकल्स हैं वो भी थोड़े कम होंगे, आपके वाइट जो बाल हैं मूंछ दाढ़ी के वो भी आपके सही हो जाएंगे। और साथ में आपको क्या है, आपको इसमें स्किन को आपको क्या हार्म नहीं करेगी सबसे बड़ी बात ये, तो स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके थोड़े थोड़े आईब्रो में जो दिखते हैं आईब्रो में भी आप इसे मल सकते हो, आपके मूंछ में मल सकते हो, दाढ़ी में लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये और एकदम देसी चीज़ें हैं और कोई नुकसान नहीं करने वाली हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी भी हैं और बहुत मेहनत भी नहीं करनी है। फिट करी का सीधा पाउडर बनाइए, एक डब्बी में भर कर रख लीजिए, डेली थोड़ा सा बाउल में लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल टपकाइए, थोड़ा घोलिए, डेली लगा लीजिए फेस में, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताइए प्लीज़। और आप प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।